अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं मदर एकेडमी में खुश आमदीद। आज हम कैलीग्राफी की प्रैक्टिस में जिस लेटर को कर रहे हैं तो जनाब वो आर लेटर है और बिगिनर्स को बहुत मुश्किल नहीं होगी, बहुत इजी, क्योंकि जैसे हमने पी लिखा था तो बिल्कुल उसी तरह हम पी लिखेंगे और उसके बाद यहाँ से लाइन निकाल देंगे, ये बन जाएगा आर और इसी तरह यहाँ पे इस तरह स्मॉल आर बनेगा। वन मोर टाइम देख रहे हैं आप लोग, बहुत आसान है, जैसे पी की तरह यूँ किया और यहाँ से लाइन निकाल दी और ये बन गया आर और स्मॉल वाला आर ऐसे बनेगा, ठीक है। और आपने क्या करना है, आपने अपनी कॉपी में प्रैक्टिस करनी है, लेकिन उससे पहले मैं भी आपके साथ कॉपी में आपको करके दिखाती हूँ कि कैसे लिखा जाता है। चलिए आइए देखते हैं हम कॉपी में कैसे लिखेंगे। जनाब बिगनर्स ध्यान रखिएगा, अब हम जो है प्रैक्टिस कर रहे हैं आर की, कर्सिव राइटिंग में आर की, तो आपने कैसे करनी है, लाइन नंबर 3 तक लेकर आने एक लाइन और जैसे पी बनाया था ऐसे बना के फिर आपने इसको यूं कर दिया, ये बन गया आर और स्मॉल आर कैसे यूं और इसको यूं लेके गए और यूं, ये बन गया स्मॉल आर। अब इसको हम बिग में प्रैक्टिस नॉर्मल लाइंस में करते हैं ताकि बिगनर्स बहुत अच्छे से फॉलो कर सकें, बहुत अच्छे से समझ सकें। तो इस तरीके से ये देखिए, ये देखिए कितना आसान है आर लिखना। पी आपने बना लिया ना, तो बस पी के बाद एक लाइन इधर की नोक से सीधी निकाल दी और स्मॉल वाला ऐसे बना, बहुत ही सिंपल है, बहुत ही आसान है, कोई इसमें डिफिकल्टी नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस जरा सा आपने अपना इंटरेस्ट लेना है और इसकी प्रैक्टिस करनी है। जितनी अच्छी आपकी प्रैक्टिस होगी आपको ये लर्निंग याद हो जाएगी कि आपकी टर्निंग कहाँ पर है, कहाँ पर आपने शोशा बनाना है, कहाँ पे कितना बाहर निकालना है, कितना घुमाना है, तो बहुत ही आसान है। तो आपको ये समझ आ रहा है ना हमने किस तरह बनाया है, तो बस आपने अपनी प्रैक्टिस को रखना है, जितनी अच्छी प्रैक्टिस होगी उतनी ही अच्छी आपकी फॉर्मेशन बनती जाएगी। तो अपनी प्रैक्टिस कंटिन्यू कीजिएगा, मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।